डॉग्स की बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी, सब किसी को भी खाना या पानी नहीं मिला था, सब हड्डियाँ थी बिल्कुल, कोई भी एक भी डॉग ऑपरेशन के लिए फिट नहीं था। और दो कुत्ते मरे हुए थे, एक को रेबीज था, वो उसको दूसरे कुत्तों के साथ रखा गया था मरे हुए कुत्ते को, और दूसरा एक कुत्ता कैबिन के अंदर पड़ा था जिसको पानी और खाना नहीं दिया था, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे वो कुत्ता काटता है तो हम उसको पानी ना खाना, और उसका केज भी पूरा शिट से भरा हुआ था। अभी कितने डॉग मरे हैं सर? टोटल तो एवरी डे 3-4 मरते हैं वहाँ पे, और वो लोग बॉडीज वहीं पे रखते हैं, और उन शॉप रूल्स के हिसाब से वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। शॉप रूल के हिसाब से अगर ऑपरेशन किसी भी सेंटर में अगर डेथ होती है तो पोस्टमार्टम कंपलसरी है, लेकिन ये उठा के सीधा कोरा केंद्र में फेंक देता है चाहे वो रेबीज वाला कुत्ता हो। Visiting ABC center, look at these bodies, they are filled with worms. God, I don't believe this. What these people are doing? Oh my God, God is declared. All the bodies are declared. Oh God, look at this center. I don't believe this. See, the body is declared completely. Oh Lord. अभी तक ना पांच डॉग, जहाँ तक जानकारी मिली है पांच डॉग ऑफ हुए हैं। 6 नवंबर को 3 हुए थे और कल 2 हुए थे, जब हमने कल गए थे वहाँ पे तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ डेथ की वजह क्या बताई जा रही है? तो वहाँ पे ना खाना था, ना पानी था, ना डॉक्टर था, ना मेडिसिन था, कोई भी नहीं था। उनका कहना है कि स्टाफ छुट्टी पे थे। और क्या अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और इन पे FIR होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या पुलिस FIR ले रहे हैं इस पूरे मामले की? नहीं, उसी लिए हम पंचनामा कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस कल आई थी, दो बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए परे हॉस्पिटल भेजा है वहाँ पे। तो क्या आपने जब डॉग वहाँ विजिट की तो क्या हालत थी डॉग की? आपने जब क्या बहुत बहुत बुरी तरह हालत थी वहाँ पे, है ना, न डॉक्टर था, न खाना पानी था, न बहुत घाव भी लगा हुआ था वहाँ पे, मेडिसिन मतलब कुछ दवाई भी नहीं लगाई हुई थी, और जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी ना उसके बाजू में जिंदा डॉग बाजू में थे, उनका कहना है कि रेबीज डॉग थे, तो रेबीज डॉग थे, जिंदा डॉग के बाजू में रेबीज डॉग कैसे रख सकते वो लोग? और बॉडी भी बहुत दिन से पड़ी हुई थी। 3 दिन पहले 6 नवंबर को भी एक आरती जी है, वो एनिमल लवर है, उनके मेरे पास फ़ोन आया था, उनका भी वो भी गई थी तब भी, है ना, 3 बॉडी पड़ी हुई थी डेड बॉडी वहाँ पे। उनका कहना है कि म्युनिसिपैलिटी वाले लेके नहीं जाते हैं, मतलब बहाने बहुत है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। वो गई थी तब तो एक भी स्टाफ है ना उनके पास नहीं था, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, एक वॉचमैन तक नहीं था वहाँ पे।